अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज का हमारा पहला प्रश्न है किसे महिला सशक्तिकरण हेतु ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे महिला सशक्तिकरण हेतु ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो रेणु गुप्ता जी को सम्मानित किया गया है ब्लैक स्वान पुरस्कार से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अगला प्रश्न है किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया है तो यह सूरत को दिया गया है सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया है हमारा अगला प्रश्न है किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दिल्ली मेट्रो को सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया है दिल्ली मेट्रो को अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया तो यह इकतीस अक्टूबर को मनाया गया इकतीस अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया अगला प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में कुल कितनी टीमें खेलेंगी इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में कुल कितनी टीमें खेलेंगी तो टोटल दस टीमें खेलेंगी इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में टोटल दस टीमें खेलेंगी अगला प्रश्न है किस राज्य ने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना लॉन्च की किस राज्य ने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना लॉन्च की तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है किस देश के क्रिकेटर एलन डेविडसन का निधन हुआ किस देश के क्रिकेटर एलन डेविडसन का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर क्रिकेटर हैं और इनका नाम है एलन डेविड हसन और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है अगला प्रश्न है डीआरडीओ ने किस राज्य में हाई स्पीड एक्स पेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने किस राज्य में हाई स्पीड एक्स पेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया तो यह ओडिशा में सफल परीक्षण इसका किया है ओडिशा में अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग हेतु टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय लिया भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग हेतु टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय लिया तो भारत ने इजराइल के साथ भारत ने इजराइल के साथ रक्षा सहयोग हेतु टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय लिया है अगला प्रश्न है हुनर हाट के तीसवें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया हुनर हाट के तीसवें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है तो यह देव देहरादून में किया गया है हुनर हाट के तीसवें संस्करण का उद्घाटन देहरादून में किया गया है अगला प्रश्न है हमारा एन के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा एन के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है तो ये महाराष्ट्र रहा है एन के अनुसार भारत का जो राज्य है ये आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा है तो भारत का जो महाराष्ट्र है यह आत्महत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है एन के मुताबिक अगला प्रश्न है एन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है एन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यही नियुक्त किया गया है अशोक भूषण को अशोक भूषण को के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अशोक भूषण जी को अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी का चेयरमैन नियुक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने किसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एन के चेयरमैन नियुक्त किया है तो अशोक भूषण जी को नियुक्त किया है अशोक भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एन का चेयरमैन नियुक्त किया है अशोक भूषण को हमारा अगला प्रश्न है अमित शाह ने किस शहर में यारी कल्याण योजना की शुरुआत की अमित शाह ने किस शहर में घसीयारी कल्याण योजना की शुरुआत की तो अमित शाह ने देहरादून में अमित शाह ने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है देहरा दोनों में आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जी के विथ प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत